Azuka. Ravanasura. Azuka. Azuka. Ravanasura. रामलीला मुझे अपनी तरफ खींचती है। रावण एक किरदार जिसे हम दशानन के नाम से जानते हैं, एक विद्वान जो अपने ज्ञान के लिए माना जाता है, एक योद्धा जिसे अहंकारी कहा जाता था। अमित पेशे से एक कपड़ों के व्यापारी हैं, लेकिन रावण के किरदार से इनकी पहचान दूर दूर तक है। अमित की लगन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को बखूबी से निभाने के साथ साथ अमित अपने रावण के किरदार को अपनी अदाकारी से एक नया जीवन देते हैं। इनका रामलीला में आना भी किसी लीला से कम नहीं है। मैंने खुद कभी रामलीला करने की कोशिश नहीं की। मैं मन से बहुत दूर खड़ा होकर सोच रहा था कि इस रामलीला का हिस्सा कैसे बनूं। तभी उधर रामलीला के मैं पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और मैंने अपनी इच्छा उनको जाहिर की कि मुझे रामलीला करनी है। रावण के किरदार से एक बार क्या रूबरू हुए, उसी के होके रह गए। कभी मंत्री बने, कभी हनुमान जी की सेना में वानर बने, कभी खुद हनुमान जी भी बने, फिर बने रावण, रावण, रावण और रावण। रावण का किरदार निभाते निभाते मुझे जो आनंद आता है कि मुझे वो किसी भी किरदार में नहीं आता। मुझे लगता है रावण अनंत है और रावण के कई रूप है, इसलिए मैं रावण का किरदार ही निभाता हूं। जब आप मंच पे होते हो ना, तो मंच का जो समय है वो सिर्फ तुम्हारा समय है, और ऐसे में टाइम को मैनेज करना थोड़ा कठिन हो जाता है। जब आप कोई व्यापार में हैं या अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको समय देना पड़ता है। रिहर्सल किसी रामलीला की एक महीने से पहले स्टार्ट होती है, किसी की दो महीने की, और कोई कोई रामलीला तो ऐसी है जिनकी चार चार महीने पहले रिहर्सल स्टार्ट हो जाती है। आपको रिहर्सल में समय देना पड़ता है। किरदार निभाओ तो ऐसे निभाओ कि लोग मग्न मुग्ध होके आपको ही देखें। और यही नहीं, अमित का मानना है कि रामलीला करने से उनको बहुत फायदा हुआ है। व्यापारिक फायदे तो मिलते ही हैं। जब हम रामलीला में जुड़ते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आती है, और मेरे काफी डीलर्स जानते हैं कि मैं रामलीला करता हूँ, तो जब मुझे वो मिलते हैं तो उनको अच्छा लगता है मिलना, क्योंकि उनके सराउंडिंग में बहुत कम लोग हैं जो रामलीला कर रहे हैं। उनको अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है तो अच्छा व्यापार भी होता है। ऐसे में कोई बैक स्टेज का यादगार किस्सा? एक किस्सा है, यादगार है। हनुमान जी के रोल करने के बाद जब मैं नीचे मंच पे पहुंचा तो कोई मेरी पैंट चुरा के ले गया था। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना भी है। ऐसे में अमित का कहना है कि वो सीखना कभी नहीं छोड़ते। मैं हर व्यक्ति से, मेरी रामलीला के अंदर जितने भी कलाकार हैं या रामलीला के बाहर जितने भी लोग हैं, मैं हर किसी से सीखता हूँ। हमारी रामलीला के अंदर जो जोकर का रोल करता है मैं उससे भी सीखता हूँ, जो मंत्री का रोल करता है मैं उससे भी सीखता हूँ, जो केकई का रोल करती है मैं उनसे भी सीखता हूँ, जो सीता माता का रोल करती है मैं उनसे भी सीखता हूँ। सीखना जरूरी है सर। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया है ना, उस दिन आपके अंदर का कलाकार मर जाएगा। मैं हर एक व्यक्ति से सीखता हूँ, जो मुझे कुछ सिखा सके मैं उससे सीख लेता हूँ। अमित, अमित रामन, विश्व विश्व नायका, राज्य राज्य पालका, बेला बेला पुटला अपनी पर्वताल पलेका, शक्ति शक्ति सूचिका, युक्ति युक्ति पालका।